गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास की प्रश्नावली 3.1 शुरू करेंगे। चैप्टर 3 जो है वो कल शुरू कर दिया था, प्रश्नावली चलाएंगे 3.1। चैप्टर 3 था दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो पहले हम इसका बीजगणित रूप देखेंगे और उसके बाद ग्राफीय रूप में। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है ऐसे ही हैं, मतलब तरीका समझ लो, जैसे ये दिया है तो मान लेंगे हम, माना आफ्ताब है, आफ्ताब की वर्तमान आयु मान ली हमने एक्स वर्ष और उसकी पुत्री की मान ली वाई वर्ष, ठीक। और जब पहले की बात हो, कह रहा 7 वर्ष पूर्व, जब पहले की बात हो तो माइनस करेंगे और जब बाद की बात हो तो प्लस करेंगे, ठीक है। तो 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु, आफ्ताब की आयु एक्स वर्ष है, मतलब जैसे कोई भाई 10 वर्ष आयु है तुम्हारी, तो पहले निकालने के लिए घटाएंगे ही ना, 5 वर्ष पहले तो 10 में से 5 घटा देंगे। तो इसी प्रकार आफ्ताब की एक्स मानिए ना अब वर्तमान आयु, तो 7 वर्ष पहले एक्स माइनस 7 वर्ष होगी, ठीक। और 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु वाई माइनस 7 होगी, क्योंकि वाई मानिए इसकी। अब प्रथम शर्त अनुसार पहली शर्त कह रहा है कि मैं आफ्ताब कह रहा तुमसे 7 गुना, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 साल पहले, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो आफ्ताब की आयु 7 वर्ष पहले ये होगी और पुत्री की वाई माइनस 7, तो 7 गुनी पुत्री की 7 गुनी, तो 7 गुनी यानी कि 7 गुना इसमें कर दिया, तो एक्स माइनस 7 बराबर 7, 7y और 7 × 74। अब एक्स माइनस का 7 इधर आ गया, ये मतलब प्लस का, तो इधर माइनस 7 हो गया, माइनस 7 ये रहा, माइनस का 49 तो इधर प्लस का 49 होगा बराबर 0। यह एक्स माइनस 7y 49 में से 7 गए 42 बराबर 0, समीकरण 1 होगी। फिर कह रहा है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा, मैं अपनी पुत्री से कह रहा वो, तो 3 वर्ष बाद की आयु निकाल लो। अब से 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, मतलब जैसे तुम्हारी कोई 10 वर्ष है फिलहाल, अब 3 वर्ष बाद 10 में से 3 जोड़ेंगे ना, तो आफ्ताब की वर्तमान आयु एक्स वर्ष है, तो 3 वर्ष बाद प्लस 3 वर्ष एक्स प्लस 3 वर्ष होगी, पुत्री की भी 3 वर्ष बाद पुत्री की आयु वाई प्लस 3 होगी। तो द्वितीय शर्त अनुसार कह रहा है कि 3 वर्ष बाद जो है मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊँगा, ठीक है। ये पुत्री की आयु और पुत्री की आयु के 3 गुना, तो x प्लस 3 बराबर 3y और 3 × 9 एक्स माइनस 3y, ये 3y प्लस का ना इधर आ गया, और x प्लस का 3 और प्लस का 9 है तो माइनस का 9 बराबर 0, यानी कि x माइनस 3 माइनस 9 में से 3 के 6 बराबर 0, या x माइनस 3y बराबर 6। तो बीजगणितीय रूप समीकरण एकदम ये होगा, x माइनस 7y प्लस 42 और x माइनस 3y बराबर 6। तो इसके बीजगणितीय रूप ये हो गया, ग्राफीय रूप हम दिखा देंगे या तो बोर्ड पर करवाएंगे या फिर बता देंगे। अब तुम्हें अगला सवाल करना है, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले 6 गेंदे खरीदी, बाद में उसने एक बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार की 3 गेंदे 1300 रुपये में खरीदी। स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो इसमें भी हम मान लेंगे ये रुपये हैं, 3 बल्ले और 6 गेंद, बल्ले को एक्स मान लेंगे, गेंद को वाई मान लेंगे, तो 3x प्लस 6y बराबर इतना हो जाएगा। इसी प्रकार एक बल्ला है तो एक्स प्लस वाई, एक गेंद उसने एक और बल्ला तथा ठीक उसी प्रकार 3 गेंदे, एक बल्ला यानी कि एक्स हो जाएगा और 3 गेंद 3y हो जाएगा बराबर 1300। तो बीजगणित रूप इसका ये हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है, जहाँ तक हो जाए इसके करके देखना। थैंक यू।